सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल बिजली बोर्ड में भरे जाने वाली न्यू पोस्टों के बारे में। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिजली बोर्ड में भरे जाएँ 7,500 पद, विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन सुंदरनगर इकाई की बैठक में उठाई मांग। प्रदेश अध्यक्ष खरवाड़ा बोले सहायक लाइनमैन के 3,500 पद रिक्त। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने बिजली बोर्ड में खाली चले रहे करीब 7,500 पदों को भरने की मांग की है। तो यूनियन का कहना है कि बोर्ड की वित्तीय स्थिति बिगड़ती जा रही है, वहीं बोर्ड में विभिन्न श्रेणियों के लगभग 7,500 पद खाली होने से लगभग कर्मचारी तनाव में काम कर रहे हैं। फील्ड में कार्य कर रहे कर्मचारियों की दुर्घटना की दर बढ़ रही है। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन की सुंदरनगर इकाई की बैठक हुई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप खरवाड़ ने कहा कि वर्तमान समय में बोर्ड में सहायक लाइनमैन के लगभग 3,500, लिपिक के 1,600, सब्स्टेशन अटेंडेंट के 400 पदों सहित अन्य श्रेणियों में भी सैकड़ों पद खाली चल रहे हैं। उन्होंने बोर्ड प्रबंधन से मांग की सहायक लाइनमैन और सबस्टेशन अटेंडेंट के खाली चल रहे पदों को टीममेट और हेल्पर से भरा जाए। इससे खाली होने वाले टीममेट और हेल्पर के 4,000 से अधिक पदों के लिए तुरंत भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। यूनियन के महासचिव हीरा लाल वर्मा ने बिजली बोर्ड की बिगड़ती वित्तीय हालत पर चिंता जताई। इसके लिए बोर्ड प्रबंधन वर्ग तथा सरकार की नीतियों को दोषी ठहराया। उन्होंने बोर्ड प्रबंधन पर स्मार्ट मीटर के नाम पर फिजूल खर्ची का भी आरोप लगाया। बिजली बोर्ड पर 2,890 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है, जो एक चिंतनीय विषय है। बैठक में जगमेल ठाकुर, मुनीलाल ठाकुर, जांबा राम शर्मा, दौलत राणा, नीतीश भारद्वाज, प्रदीप शर्मा, कनव राणा और रमेश शर्मा सहित अनेक सदस्य मौजूद रहे। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा अपडेट। तो बहुत जल्द आपको बिजली बोर्ड में और नई भर्ती देखने को मिलेगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल के साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।